मेडिटेशन यानी ध्यान, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सब जानते तो हैं पर करते कुछ ही लोग हैं। पर आप लोगों में से ज्यादातर लोग शायद जानते ही नहीं कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। आप ये जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप लिटरली अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकते हो। ये आपकी जिंदगी को बदल सकती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हासिल करने के लिए मेडिटेशन आपके लिए एक टूल बन सकता है। आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो कनेक्शन है, मेडिटेशन उसे और भी ज्यादा मजबूत कर देती है, जिससे आप जैसी चाहे वैसी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पिछले कई दशकों से मेडिटेशन के ऊपर कई स्टडीज की गई हैं और उन्हीं स्टडीज से ये पता चला है कि मेडिटेशन आपके जिंदगी के हर पार्ट को इफेक्ट करती है। मेडिटेशन आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी चेंज कर देती है। मतलब ये आपकी ब्रेन की साइज को ही चेंज कर देती है। जी हाँ, ये सुनने में तो अमेजिंग जरूर है, पर मेडिटेशन की ये इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूव्ड है। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सैरल अजार ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जस्ट 8 हफ्ते की मेडिटेशन से आपके ब्रेन की साइज फिजिकली चेंज होने लगती है और आपके ब्रेन के जो बैड पार्ट्स हैं, मेडिटेशन उसे श्रिंक यानी छोटी कर देती है, और जो गुड पार्ट्स हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस और बाकी पॉजिटिव चीजों से जुड़ी हुई है, उन पार्ट्स की साइज को बढ़ा देती है। आपके ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फीयर आपकी लर्निंग एबिलिटी के लिए होता है। मतलब अगर आपका ब्रेन का ये पार्ट हेल्दी है तो आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बातों को समझने में दिक्कत होती है, तब आप मेडिटेशन शुरू कर दो और बस कुछ ही दिन में आपकी समझने की शक्ति पूरी तरह से लौट जाएगी। मेडिटेशन आपके ब्रेन के PCC को भी इफेक्ट करती है। ब्रेन का ये हिस्सा आपको अपने थॉट्स को यानी विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति देती है। मतलब अगर आपके मन में हमेशा उल्टे सीधे विचार दौड़ते रहते हैं जो किसी काम के नहीं और आप चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। क्योंकि अगर थॉट्स को कंट्रोल करने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, तब आपके माइंड में वही बातें रहेगी जो आपके काम की है। इससे आपकी फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी और आप हर काम को एक एफिशिएंट वे में कर पाओगे। EPJ नामक जो हिस्सा है, ये आपके अंदर की इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। ये आपके कॉम्पैशन यानी दया की फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम एकदम जॉम्बी जैसे हो गए हैं। मतलब हमारे अंदर जितनी कॉम्पैशन और लव की फीलिंग्स होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, और इसलिए लोग सेल्फिश बन जाते हैं और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार मैं उतना भी दयालु नहीं हूँ, पर शायद मेरे अंदर फीलिंग्स की कमी हो गई है। बचपन में जैसे हम बिल्कुल इंथुसियास्टिक टाइप रहते थे, वैसी लाइफ नहीं रह गई है अब। तो ये सब होता है हमारी जिंदगी के भाग दौड़ के वजह से। तो अगर आपको वही बच्चों वाली इंथुसियाज्म चाहिए, तब तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी टेम्पोरोपैरिटल जंक्शन यानी TPJ को स्ट्रॉन्ग करता है। आप बस कुछ हफ्ते मेडिटेशन कीजिए और मैं ये श्योर बोल रहा हूँ कि आप 1-2 हफ्ते बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि अरे यार, आज मैंने रोड पे उस भिखारी को देखा ना, तो मुझे बहुत दया आया यार, पहले की तरह फीलिंगलेस ज़ॉम्बी की तरह नहीं रह गया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ मैं। जैसे मेडिटेशन आपकी दिमाग की गुड पार्ट्स को बढ़ाता है, तो ये आपकी बैड पार्ट्स को कम भी करता है। जैसे आपके ब्रेन में एक अमिग्डला नाम का पार्ट है जो आपके अंदर की डर, एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन आपके ब्रेन की अमिग्डला की सेल वॉल्यूम को कम कर देता है और उसके चलते आपके अंदर से डर, चिंता और स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाता है। ये आपके अंदर की बैड इमोशंस को हटा देती है। अगर आप कुछ हफ्तों तक मेडिटेशन करोगे, तब आपके अंदर एक अजीब सी सुपर पावर महसूस होने लगती है। वो
उड़ने वाली नहीं पर सुपर पावर्स लाइक इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस, अट्रैक्शन टू ऑपोजिट जेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिमाग के इन बेनिफिट्स के साथ साथ मेडिटेशन आपके जिंदगी के कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर देती है। जैसे आप लोगों में से जो लोग परफेक्ट हो वो तो ठीक है, पर हो सकता है कि आप शायद ओवरवेट या अंडरवेट हो। अगर आप ओवरवेट हो तो मैं श्योर हूँ कि आप इंटरनेट पे सर्च तो करते ही होंगे कि हाउ टू लूज वेट। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और आपको परफेक्ट वेट पाने में मदद करती है। इसका उल्टा अगर आप अंडरवेट हो तब भी आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा तभी आपकी मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है और इसके चलते आप नॉर्मल वेटेड बन सकते हो। मेडिटेशन तनाव, चिंता और डर जैसी फीलिंग को बहुत कम कर देती है। स्ट्रेस यानी तनाव एक्चुअली खराब नहीं है आपके लिए, इनफैक्ट थोड़ी सी स्ट्रेस अगर होती है तो वो आपको एक्टिव रखती है। पर आजकल के दुनिया में लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और ये एक ट्रू फैक्ट है कि स्ट्रेस शरीर के सारे बीमारियों का कारण होता है। अगर आप दिन में बस 5 मिनट भी मेडिटेशन करोगे ना तो वो कम से कम 70-80% स्ट्रेस को कम कर देती है। कई लोग तो स्ट्रेस खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन के बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को मेडिटेशन की बेनिफिट्स का अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर बस 5 मिनट की मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को फ्री में खत्म कर सकती है तो आर्टिफिशियल तरीकों में पैसे खर्च करने का क्या फायदा। मेडिटेशन आपको बैड हैबिट्स से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम DPC कहते हैं। ये पार्ट आपके विल पावर यानी इच्छा शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया कि मेडिटेशन आपके इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। मेडिटेशन उन सब बेनिफिट्स के साथ साथ आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। आपके ब्लड में मौजूद सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि हार्ट डिजीजेस यानी दिल की बीमारियों से रिलेटेड है उसे मेडिटेशन कम कर देती है। अगर आपके फैमिली में आपको या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आप उनको मेडिटेशन रिकमेंड करो, क्योंकि सिर्फ 2-3 महीनों की मेडिटेशन से उनकी कंडीशन इतनी इम्प्रूव हो जाएगी ना जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। हेल्थ बेनिफिट्स के लिस्ट में सबसे बड़ा फायदा है स्लो एजिंग। लोग न जाने केमिकल्स के बने कितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको अपने चेहरे पर चमक चाहिए तो आप आर्टिफिशियल तरीकों को हटा के बस डेली 10 मिनट की मेडिटेशन कीजिए। अगर आपके चेहरे पर चमक नहीं आई तो आप मेरा नाम चेंज कर देना। मेडिटेशन आपके माइंड को और खुशहाल बनाती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। पर आजकल की दुनिया जहाँ सब स्ट्रेस में जी रहे हैं, खुशी को तो लोग भूल ही गए हैं। इसलिए तो लोगों को कॉमेडी देखना इतना पसंद है, इसलिए लोग कॉमेडी वीडियोस देखते हैं। पर क्या आप जानते हो कि अगर आप डेली बस 5-10 मिनट की मेडिटेशन करोगे ना तो आपको खुश होने के लिए किसी भी तरह की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान का बेसिक नेचर होता है खुश होना, पर हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ उस बेसिक नेचर को बदल देती है। मेडिटेशन बस उस बेसिक नेचर को वापस लाने में मदद करती है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर 2 दिन के बाद अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।